कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। दरअसल 5 अगस्त को भारी हिंसा के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वो देश छोड़कर भारत आ गई। इससे बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। इस घटना को लेकर सलमान खुर्शीद ने विवादित बयान दे दिया। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद शिक्षाविद मुजीबुर रहमान की किताब शिकवाए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की लॉन्चिंग के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, कश्मीर में सब कुछ सामान्य दिख सकता है, यहाँ सब कुछ सामान्य लग सकता है। हम जीत का जश्न मना रहे होंगे, लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोगों का मानना है कि 2024 की सफलता शायद मामूली थी। शायद अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि सतह पर सब कुछ भले ही सामान्य दिखता है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। हमारे देश का प्रसार चीजों को उस तरह फैलने से रोकता है जिस तरह से बांग्लादेश में फैला है। इधर सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाकर भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। देखिए, आज जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद, और केवल सलमान खुर्शीद नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कुछ और कांग्रेस के नेताओं ने भी यह कहा है कि जो स्थिति आज बांग्लादेश में है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो सकती है। उन्होंने एक किताब लॉन्च के परिस्थिति में ये कहा है, किताब लॉन्च के इवेंट में कहा है। जो किताब का लॉन्च था उसका शीर्ष था द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, शिकवाए हिंद, मजीबुर रहमान द्वारा लिखा हुआ ये किताब था। उसमें भारत में एक तरह से प्रोटेस्ट्स होंगे, भारत में आगजनी होगी, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी, इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है। और कई दिग्गज जो वहां मौजूद थे, शशि थरूर से लेके अन्य नेता भी वहां मौजूद थे, एक तरह से उनकी स्वीकृति थी, एक तरह से उन्होंने उसका समर्थन किया। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा, तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खीज बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा। दुर्भाग्य है इस देश का, जो विपक्ष है वो वोट के खातिर टुकड़े टुकड़े गैंग की भूमिका निभा रहा है। मैं फिलिस्तीनी का जब मामला आया था, हम लोगों ने तो समर्थन किया था कि फिलिस्तीनी का पहले ही से भारत समर्थन करता है, लेकिन जिस ढंग से पूरे देश में और ये टुकड़े टुकड़े गैंग इसको एक इशू बनाने की कोशिश की थी, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, कल मनीष तिवारी जी बोले, लेकिन एक बार भी हिंदुओं को लेकर के नहीं बोला कुछ। मैंने कहा भी कि कम से कम हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पर भी तो बोलो, लेकिन नहीं बोला। आज अगर सलमान खुर्शीद के विषय में आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा कि भारत भी हो सकता है, भूले नहीं, ये भारत है, गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, ये थ्रेट ना दें। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी
के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है, लेकिन भूले नहीं सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी, इस देश में जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो महाराणा प्रताप भी आए हैं।